नमस्कार, मेरा नाम सुमित द्विवेदी कौन है और आप देख रहे हैं भोजपुरी बचाओ। भोजपुरी बचाओ के साथ जो शख्स दिख रहे हैं फिल्म में, नाम है दीपक दिलदार और आज खास मकसद से हम लोग मिले हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। जी, भोजपुरी बचाओ के चैनल के माध्यम से जितना लोग देखता देखी सबके हमारे प्रणाम। आज बहुत ही खास मकसद की वजह से हम आपसे मिले हुए हैं क्योंकि आपका ट्रेलर आने वाला है ड्रामेबाज दमाद। जी, किस प्रकार के ड्रामेबाज हैं दीपक? अरे, उनमें पारिवारिक ड्रामा बा जी, जैसे कि औरत गांव जवार में संस्कार कौन बा, ये सब चीज बाहर रहते रही तो उनके सिखावे के बाद देखावे के बाद तो बहुत सारा पारिवारिक ड्रामा हो रहा है। मैं तो दूसरे किरदार आदमी निभावले बा। अगर हम गलत नहीं की तो मैंने सोलो जो नाम है अकेले हीरो दीपक दिलदार बने पहला फिल्म बा। हाँ, ऐसे तो जोन रिलीज हो रहा था। हाँ, पहला ही रोल बा। पहला फिल्म सोलो एक्टर मने रिलीज हो रहा बा, कैसा महसूस होता? जी, सबसे बड़ी बात बा कि हमारे देखे चाहे वाला जितना लोग बा, ये सबके आशीर्वाद प्यार दुलार कहीं ना कहीं दिलदार के ऊपर बनल तो गायक से हमरे के नायक रूप में देख रहा बनी। उम्मीद बा कि जे हमारा गाना के प्यार दिले फिल्म के भी प्यार दुलार देव लोग। हम प्रयास कैले बनी, सीखे के तो इंसान के जीवन भर बा, फिर भी उसमें प्रयास कैले बनी। हम उम्मीद करते नहीं कि सबके अच्छा लगी और कमाल के मैंने डायलॉग डिलीवरी बा में, मैंने पारिवारिक फिल्म बा कि एगो पतोह के मैंने अपना घर के परिवार के किंग चलावे के चाहे किंग रखे के चाहे किंग मैंने रहे के चाहे सारा में दर्शावल गई बा। दीपक गायक से नायक बन गए? अरे, ऐसा कोनो बात नहीं कि हम मैंने पहले गायके बने, नायक हमारे चाहे वाला गार्जियन लोग अपने प्यार से पहला बोला। ये फिल्म से जुड़ल कोनो जानकारी जो श्रोता दर्शक के देहल चाहे जो फिल्म में नहीं है? बहुत कहानी ये पिक्चर के दिलचस्प कोनो बात सेट पर गए यादगार पल? हाँ, बहुत रहल बा जोन की जब निधि जी हमारे ऑपोजिट में मैंने एक्ट्रेस नहीं तो हमारे से बहुत सीनियर है फिल्म के मामले में, तो सामना जब हुआ तो हम भी थोड़ा ऐसे थे कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, लेकिन तो भोजपुरी खाला नहीं, भोजपुरी गावेला, भोजपुरी ना आला, भोजपुरी में डायलॉग डिलीवरी बोले रहे कॉन्सेप्ट के समझ लेने धाए धाए बोलो गए पाँच पाँच दस दस पाना के डायलॉग और समझ के एकदम। तो निधि मैडम बहुत हमको कॉपरेट मैंने कहनी वहाँ के सपोर्ट कहनी कहनी कि नहीं, भोजपुरी में मुझे पहली बार कोई दिखा कि बिना हिचक के बिना कुछ के मैंने गजब का फ्लो और मूड है उनका, और बहुत खुश हुई। बोले बोली कि अरे चिंता मत करिए, खुद हम अपना प्रोडक्शन से आपको पिक्चर लेकर करूंगी। अच्छा अच्छा, निधि जी बोले और मुझे यानी कि निधि झा के भी प्रोडक्शन से आप फिल्म कर? बिल्कुल हाँ, बोली कि नहीं आप काम करिए, आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे कलाकार हैं, अच्छे गायक हैं और हम आपको सपोर्ट करेंगे। और अच्छा लगा, उन्होंने हिम्मत बढ़ाए और हमको जितना होता था सपोर्ट कर। वैसे फिल्म आ रहा है आ रहा है सुन रहे थे, थोड़ा सब्र था, लेकिन जब से आप लोगों ने डेट अनाउंस कर दिया है तब से और बेचैनी बढ़ गई है। कितना जल्दी आ जाएगा? दर्शकों को बता दीजिए कि कब तक आ रहा है। भोजपुरी के सबसे नंबर वन चैनल भोजपुरी सिनेमा एंटरटेन रंगीला पे रिलीज हो रहा भाई पिक्चर, सबसे बड़ी बात है। पिक्चर रिलीज होता है कि मैंने ट्रेलर रिलीज हो रहा है? ट्रेलर पिक्चर, ट्रेलर रिलीज है पिक्चर। हां, मतलब फिलहाल तो मैंने ट्रेलर रिलीज हो रहा बा, तो ट्रेलर जो रिलीज हो रहा बा ये हमरा खातिर बहुत उपलब्धि बा और हमारे श्रोता रूपी गार्जियन के आशीर्वाद बा कि गाना ये ट्रेलर के ये फिल्म के बिना कट के बिना सीन इन्हें उन्हें कहले यूएसए के सर्टिफिकेट पहले मिलो। कब मैंने 30 तारीख के मैंने कितना बजे छूटा था? 30 तारीख के 30 जुलाई के सुबह 6 बजे। तो 30 जुलाई के सुबह 6 बजे एंटरटेन रंगीला के आप सब्सक्राइब कर ले और ये अपना भाई दीपक दिलदार के प्यार दे मत भूले। बिल्कुल कौन गाना जोन और फेमस गाना के जोन में डालो के लोगे? अब अभी किंग गाई हम रुवा तो समझते नहीं, मने जोन फेमस गाना होगे मने होला ना अक्सर कलाकार के जोन गाना रहली सन वो गाना फिल्म में डालल जाला ताकि दर्शक के रिटेंशन पावे खातिर। अब देखी कि टेलर अब खुद कम माने चैनल पर एल्बम में 8 गाना में कौन तो है कि उस चैनल में वो गाना डाले कि बाद में वो डाली है तले हम गा दी तले दूसरे हो जाओ। अच्छा दीपक जी, हाँ। और वह गायक से नायक बन गई ना, गायकी के तो लोहा मनवा चुकल बनी, लेकिन जो अभिनय के लोहा जोन बा ट्रेलर में देखे के मिल जाई,
लेकिन फिलहाल खातिर दर्शक के मैंने बेसब्री के जोन बाटे तनी मनी ऊपर सब्र बांधे खातिर एगो कोनो डायलॉग हो जाए। डायलॉग तो बड़ी खतरनाक खतरनाक कौन एगो डायलॉग हो जाए फिल्म के। विनोद मिश्रा जी हमारे में बाप के रोल में बने। जी जी तो हम कोनो बात पे कहले बने कि बाबूजी जी पतोह ने थे पतोह के रूप में एगो नाबीना जौना के ना संस्कार केलू जौना के ना संस्कार बा ना रहे सहे के ना बोले बतियान के तौर तरीका बा हम एक संगे ना रह सकिए। बा बाप कहते रहे बोलो मेरा भैया ते तो नहीं खिस तुहार धर्मपत्नी ही हो ते बताओ सिखाओ संस्कार का होला। अरे तो फूल के डाली जैसे पोसाई पलाई बिया हुका जानतिया गांव जवार के बारे में माने गजब के कहानी यानी कि फाइनली पारिवारिक फिल्म बटे ड्रामे बाद जमात 30 जुलाई के सवेरे 6 बजे एंटरटेनमेंट रंगीला के YouTube चैनल सबसे बड़ी बात बाकी भोजपुरी के बहुत बड़े डायरेक्टर जी जे कटा तनल दुपट्टा आतंकवादी आई मिलन के रात म्यूजिक के माने बड़े बड़े पिक्चर कैले बनी एम आई राज जी और डायरेक्टर प्रोड्यूसर बानी आरपी यादव जी लेखक स्क्रिप्ट राइटर जी अनगिनत फिल्म माने हिट देनी छठी माई बिटिया छठी माई से लेले अनगिनत फिल्म एस के चौहान जी वहाँ के स्क्रिप्ट बा वहाँ के लिखनी बा वहाँ के राइटिंग बा तमाम जी राहुल इंटरव्यू चले में मैंने को गाना ना हो के तो दर्शक के मने ना भरी बिल्कुल ही तब एगो कोनो गाना हो जाए जो रिसेंट में का कहीं गाना तो बहुत सब आइल बबिन कावर के देखबे कोई नहीं। हां तो रिसेंट में जो आइल को करा के सुनावल जा बाबा भोले दानी के महिमा महान बो अरे चलत डगरिया ना होई थकल बो अरे बोलो थम सम पियबू की महाजा लगे कतिया मौगी कि अरे सेम ठेके सीसी धर कवल डगर गम कवल ए राजा इधर गाना मन ट्रेंडिंग सेंसन में भी आई लो आई गौरी बाबा अपना ऑफिशियल के दीपक दिलदार ऑफिशियल पर वाला गाना कि ढार तारु जल हो का मंगलुहा फल हो अरे कहरे लु सोमारी प्यारी हो के मेरे जल हो तब कहता रे अरे शिव जी से कोई नी हा गोहार हो अरे बनती हो मदुलाहिन तो हार हो वाह बहुत बहुत अरे छूटे नहीं बच पन के प्यार हो अरे बनती हो मदुलाहिन तो हार हो वाह बहुत बहुत बधाई रुआ यावे वाला फिल्म के ट्रेलर खातिर फिल्म खातिर अनगिनत फिल्म करी अनगिनत हिट गाना दी जय जय शुभकामना के साथ फिर मिला तनी ट्रेलर देखला के बाद अरे जय हो जय हो।